हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे आप लोग। और आपको कल के ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि एक पार्सल आया है और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मेरे को कमेंट भी किया था। किसी ने बोला LED TV आया है आपके यहाँ पे, किसी ने बोला साइकिल आई है। तो आज फाइनली रिवील करेंगे कि इसमें क्या आया है। तो पार्सल रिसीव हो चुका है दोस्तों, और इस पार्सल के अंदर बहुत सारी खुशियाँ छुपी हैं मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और यही रीज़न है दोस्तों मैं अपना एक भी वीडियो जल्दी लगे बड़ा इसको फिट करने में। इनको इतना भी सबर नहीं हो रहा कि कोई आ जाएगा मिस्त्री वो फिट कर देगा, जो इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं। और शीला की साइकिल कैसी लगेगी पता नहीं, पहले देखते हैं कैसी है। तो ये कह रहा है मेरी हेल्प करो, तो हेल्प करती हूँ। इधर चाय रखी हमारी। तो इस पार्सल में श्रीजा की साइकिल है जिसको हस्बैंड जी फिट कर रहे हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे भैया, लेकिन वो कुछ टाइम रुक के आएंगे और फिर वो कुछ चार्ज भी लेंगे। तो हस्बैंड ने कहा इतना तो मैं भी कर लेता हूँ, तो मैं करता हूँ। तो फिर वो करने लग गया इसको, और उन्होंने पूरी फिट कर दी थी साइकिल, मतलब पूरी साइकिल उन्होंने तैयार कर दी थी। मैंने कहा आपसे नहीं होगा, कह रहे नहीं मैं कर लूँगा, मैंने बहुत साइकिल वाइकिल चलाई हैं बचपन में, मुझे भी बहुत शौक़ था। तो बस यहाँ पे हमारी चाय रखी है साइड में और हस्बैंड इसको फिट करने में लगे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम ये उतारो और मेरे को लंच भी बनाना है। तो मैं लंच बनाती बनाती, मतलब आज मैं जो भी बना रही हूँ सब्ज़ी उसको फ्राई करके आई हूँ अभी, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम होने वाला है। और यही नहीं, एक और पार्सल आएगा आज मेरे घर पे। मेरे दोनों बच्चे आज फिर से बहुत खुश होंगे। पता है बच्चों के लिए उनकी साइकिल बहुत बड़ी चीज़ होती है। सारे बच्चे साइकिल चला रहे थे कुछ टाइम से और मेरे दोनों बच्चे चुपचाप खड़े हुए देखते रहते, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मेरे बच्चों के पास साइकिल थी बट वो छोटी हो गई थी, कुछ टूट गई थी। तो अभी श्रीजा भी जैसे बड़ी हो गई है, तो इस बार मैंने फुल साइज़ की साइकिल मंगाई है। तो हस्बैंड ने ये ऑनलाइन पर चूज़ करी थी और उसके बाद में हमने ये मंगाई थी। तो ऐसे हैं, और साइकिल जब फिट हो जाएगी तब आप लोग बताना कैसी लग रही है। जो लोग शुरू से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने श्रीजा को प्रॉमिस किया था कि बर्थडे पे उसको साइकिल दिलाऊंगी, बट मैं नहीं दिला पाई थी दोस्तों। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस टाइम पे बहुत ख़राब थी, मैं बर्थडे के दिन तक भी हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी हो गया था उसमें। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं हॉस्पिटल के चक्कर में, है ना। तो उसको मैं साइकिल नहीं दिला पाई थी, लेकिन मेरे को बहुत गिल्टी फील हुआ था। कभी मैं किसी चीज़ का प्रॉमिस नहीं करती बच्चों से, बट प्रॉमिस टूटता है तो अच्छी बात नहीं होती, है ना। तो बस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज मम्मा ने अपनी बेटी की विश पूरी की है। वो बात अलग है कि मैं बर्थडे पे नहीं दिला पाई। और फिर हम लोगों ने सोचा हस्बैंड ने और मैंने कि श्रीजा की नहीं सक्षम की भी मंगा लेते हैं दो साइकिल। तो दोनों बच्चों की साइकिल ख़राब हो गई थी, तो आज हमने दोनों की मंगा ली। तो दूसरा पार्सल भी रिसीव होगा वो सक्षम की साइकिल का होगा, और कुछ इसमें से मैंने अपना जो कुछ पैसे जोड़ के डाले, कुछ हस्बैंड ने थोड़ा सा हेल्प किया, तो दोनों ने मिल के आज हमने उनकी साइकिल मंगाई है। एक माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरी करने में और उनको पालने में, उनकी परवरिश में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। और ये वाली बात दोस्तों तब पता चलती है जब हम खुद माता पिता बन जाते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं, इधर चाय रखी हुई है। तो मैं हस्बैंड को कह रही हूँ पहले चाय ले लो यार, ठंडी हो जाएगी। तो कह रहे नहीं पहले इसको फिट कर दूँ, उसको फिट कर दूँ। तो मैं गुस्सा कर रही हूँ कि पहले चाय पियो। और अभी हम दोनों बैठे हुए यही बात कर रहे हैं कि बच्चों के एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे जब वो आके अपनी साइकिल को देखेंगे। वैसे श्रीजा सक्षम को पता है कि आज उनकी साइकिल आएगी, लेकिन बस बच्चों को रहता है कि कहीं आज भी कैंसिल ना हो जाए पहले की तरह। तो देखते हैं आज क्या। साइकिल तो कर दी रेडी, हस्बैंड जी लगे पड़े हैं इसमें 2 घंटे से। श्रीजा की साइकिल रेडी कर दी हस्बैंड जी ना, 2 घंटे से इसमें लगे पड़े हैं। और मैंने लंच बनाया इतना, अभी बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम है तो स्कूल से लेने जा रही हूँ। और आज देखते हैं श्रीजा के एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं, सक्षम के कैसे रहते हैं। सक्षम गुस्सा होगा, क्या करेगा। पैसे ले सलाद लानी है मुझे, खीरे वीरे कुछ भी नहीं पड़े घर पर, खीरे नहीं पड़े, खीरे वगैरह ठीक रहते हैं। हस्बैंड को थोड़ा सा बता भी रखा है सब कुछ तो, और वैसे भी सलाद तो बच्चों के लिए भी जरूरी है ना। तो इनको लंच में मैं खाना तो बहुत कम देती हूँ, लेकिन सैलेड वगैरह ज्यादा देती हूँ। तो चलो चलते हैं बच्चों को लेने। क्या हुआ श्रीजा, उदासी क्यों हो रही है? मैं उदास हूँ किस चीज के लिए पूछ रही थी अभी? मैं साइकिल के लिए पूछ रही थी अभी। पूरे दिन स्कूल में साइकिल याद होती रही क्या? मुझे लग रहा जरा कैंसिल हो गया शायद बेटा, डिलीवर लिखा हुआ आ रहा है। किसी और ने तो नहीं ले लिया हमारी साइकिल? कैश ऑन डिलीवरी। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा। सक्षम के से तो बात हो
हुए पापा की और पापा बोल रहे हैं मेरे का नंबर ही नहीं मुझे लगा सक्षम की गौरी की किस्मत में साइकिल ही ना बेचारी की पिछली बार भी कैंसिल हुई थी इस बार भी ना हो जाएगा कहीं हाँ सक्षम के पापा एक बात बताऊं एक बात पूछूं क्या ही है सक्षम के ओ कोई उठा के चला ले गयो साइकिल का डब्बा थोड़ी बेकू आप कहा गई श्रीजा मुझे लग रहा था साइकिल का ऑर्डर फिर से कैंसिल हो गया बेटे पागल बना रही आद्या कैसी है पहले ये बता अच्छी लग रही है चला के देखियो कैसी है साइकिल की लुक कैसी है बता और साइकिल का कलर वलर कैसा लग रहा है वैसे अच्छा लग रहा है परफेक्ट वैसे तो बहुत इसका मेटलिक सा कलर है कुछ डल डल सा बड़ा अच्छा लग रहा है पागल तो ऐसी लग रही चलाता हूँ अगर पहले सक्षम किया जाती तो लड़ाई करती है पक्का है सक्षम हाँ। तो मैडम जी हो गई है बहुत हैप्पी लेकिन कोई सक्षम के लिए भी सरप्राइज है सक्षम की नहीं आई अब तक सक्षम देता नहीं कितनी देर में आएगी किस टाइम तक कह रहा हूँ चलो खाना खाते हैं बच्चों हाँ रास्ते वाला कह रहा पापा ठोक मत देना हाँ जी दवाई लो पहले दवाई का टाइम हो गया नीचे कर दो मम्मी उन्होंने साइड कर लिया बहुत तेज हो रहे हैं पापा हाँ चल दवाई ले नीचे पड़े नीचे मिल गया ये तो बस आज साइकिल सही होती रहेगी मेरे घर में जूते उठा के रखो भाई स्कूल के ये डब्बा पड़ा है अंदर साइकिल चलाने भाग गई पता नहीं कहाँ गई है अपनी फ्रेंड को दिखाने तो नहीं चली गई और देखो आते ही साइकिल चलाने भाग गई श्रीजा बच्ची चलो खाना खाओ पहले दोपहर के बज गए ढाई फर्स्ट टाइम काफी गर्मी लग रही है आज धूप भी नहीं है बहुत ज्यादा बाहर लेकिन धूप छांव वाला मौसम है धूप हो रही है बहुत तेज वाली और मैंने खाने में अभी तो मैंने यहाँ सलाद कट करी अभी लाई थी मैं खरीद के और ये ब्राउन राइस मैंने हस्बैंड जी के लिए बनाया और आप लोगों को एक बात बताऊं अगर आपको अपना वेट लूज करना है ना तो उसके लिए ब्राउन राइस बहुत अच्छे होते हैं मेरे हस्बैंड ने ब्राउन राइस यूज किए थे पहले 2 महीने लगातार एक टाइम की डाइट में तो उनका वेट बहुत अच्छा हुआ था और व्हाइट वाले जो राइस होते हैं उनसे ना पेट बहुत बढ़ता है इनसे नहीं बढ़ता जिनको चावल खाने का शौक है इधर मैंने बनाई है लोभी की सब्जी आज तो लोभी की सब्जी बढ़िया लगती है टेस्टी चावल के साथ और थोड़ा सा रायता भी बनाया है रायता बनाया है बूंदी का साइकिल का भूत देख लो कमरे के अंदर बेडरूम के अंदर साइकिल आ गई अरे नहीं मम्मा नहीं ये किस बच्चे की आ गई सजाम बच्चे की आई क्या तो ये सेकंड पार्सल भी रिसीव हो गया है इसमें सक्षम की साइकिल है आप लोगों को पता चल ही गया होगा दोस्तों तो मैंने सोचा सक्षम का बर्थडे भी आने वाला है उसकी साइकिल भी ख़राब हो रही है तो उसकी भी मंगा लेते हैं ना सही किया ना तो ये तो ज़रूरत की चीज़ है और आप ना नोटिस करो बढ़ते हुए बच्चे साइकिलिंग वगैरह करते हैं तो उनकी हाइट वगैरह भी बहुत अच्छी बढ़ रही है सक्षम की कलर कैसा है ग्रीन ग्रीन कैसा इतने पागल हो रहे हैं आज ये तो साइकिल के भाई अंदर के घुस रहे हैं ये इसके अंदर ही घुसते हैं निकल बंदर ये घर बन गया सक्षम इसमें आ कर इसका बेड है साइकिल का बेड भी आ गया अब नहीं सोया करेगा आज तो हमारे घर पे बस साइकिल की दुकान खुल रही है सुबह से लेके हाँ
तो गाइस मैंने आज फिर से मेहंदी लगाई है। अगर आपके बाल ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं ना तो आप दो दिन लगातार मेहंदी लगा लो तो ठीक होता है। और देखिए इधर खड़ी है सक्षम मिस्टर की साइकिल। सक्षम जी का साइकिल का कलर और स्टाइल बहुत अच्छा है, अच्छी लगी है मुझे, बहुत अच्छी लगी। और इधर खड़ी है श्रीजा की साइकिल। ये दोनों बच्चे गए स्कूल, दोनों साइकिल बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। मैंने थोड़ा सा डिले करके लिए लेकिन इनकी साइकिल अच्छी मजबूत ली है, ऑनलाइन मंगाई है मैंने अमेजोन से। और ये ना लाइफ लॉन्ग की साइकिल है, इनकी ब्रांड का नाम है लाइफ लॉन्ग और बहुत अच्छी ब्रांड है दोस्तों। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए साइकिल देख रहे हो ना छोटे बच्चे के लिए, ये बहुत अच्छी है। इसकी सीट ना हमने बिल्कुल नीचे की हुई है अभी, तो सीट अगर हम ऊंची करेंगे ना तो ये अभी कई साल वो आराम से चला सकता है। और इधर मेरे दो पॉट रखे हुए हैं, ये इधर दिख रहे हैं, जिनमें मैं कल मनी प्लांट लाई थी कि मैं उनमें लगा दूंगी लेकिन लगा नहीं पाई, कल कोई गेस्ट आ गए थे तो हो नहीं पाया। और वैसे भी कल पूरे दिन साइकिल साइकिल ही चलता रहा, तो दोनों बच्चे मेरे हैप्पी हैं क्योंकि साइकिल ना बच्चों के लिए बहुत कीमती चीज होती है और बहुत अच्छी लग रही है। और श्रीजा के लिए तो ये साइकिल आ गई मेरे घर में, खुशियां भी आ गई। कल मेरे दोनों बच्चे ना इतने बिजी रहे पूरे दिन, आपको बताऊं पूरे दिन बिजी रहे उनको ना, पहले स्कूल गए फिर ट्यूशन था और फिर अपनी साइकिल में लगे रहे। तो जैसे बच्चों को मैं कहती रहती हूँ ये मत करो वो मत करो, ये कर लो वो कर लो, तुम आलसियों की तरह पड़े हुए हो फोनों में लगे रहते हैं, तो वो सब उन्होंने नहीं किया, अपने काम में अपनी फोन अपनी साइकिल में बिजी थे। तो ऐसे रहा कल का पूरा दिन और आई एम सो हैप्पी कि मेरे बच्चों की साइकिल आई। देखो साइकिल बहुत बड़ी चीज नहीं होती लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, एक एक रुपया जोड़ा। फिर मेरे को पहले मैंने सोचा सेकंड हैंड साइकिल ले लूं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्रीजा बहुत ज्यादा उदास थी, उसके बर्थडे पे आप लोगों ने देखा ही था, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने थोड़ा सा उसको समझाया कि बेटे अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा तुमको। एक बार मैंने उसकी साइकिल ऑर्डर भी की थी लेकिन उसमें ना कुछ फॉल्ट हो गया था, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे जब वो डिलीवरी कर रहे थे ना तब उसमें कुछ फॉल्ट हो गया था, पैकेजिंग में कुछ फॉल्ट हो गया था, तो वो अमेजोन में वापस भिजवा दी थी। तो फिर उसमें दो दिन डिले हो गया, मतलब वो फिर मेरे को जो मैंने पहले पे कर दिया था बैलेंस कार्ड से किया था, तो फिर वो मेरा बैलेंस अटक गया था, तो फिर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं दोबारा से जाके दुकान पे ले आऊं, इतनी छोटी चीज भी नहीं होती है ये। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मतलब पहले इसका बैलेंस क्लियर होने देते हैं, तो फिर 3 से 4 दिन में वो हमारे अकाउंट में वापस आ गया था। और उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं पे ऑन डिलीवरी करूंगी, तो हमने पे ऑन डिलीवरी पे ये साइकिल मंगाई। कैसी लगी आप बताना, कलर वगैरह सक्षम श्रीजा की। तो दोनों बच्चे मेरे खुश हैं और क्या चाहिए ना। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों, कल को नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। क्योंकि मेरे को श्रीजा को वैक्सीन लगवाने जाना है, तो वैक्सीन लगवाने जाना है तो जल्दी जल्दी नहाना पड़ेगा, हेयर वॉश करना पड़ेगा और बच्चों को स्कूल से लेना भी पड़ेगा ना। तो पापा भी हैं बच्चों के यहाँ पे, तो अभी हम वैक्सीन लगवाएंगे इसकी। किस टाइम पे जाना है? 12 बजे, क्योंकि सक्षम श्रीजा को स्कूल से लेंगे और श्रीजा की वैक्सीन का सेकेंड वैक्सीन लगेगी उसकी कोविड की, उसका मैसेज भी आया पड़ा है। 2 दिन पहले स्कूल से फोन भी आया था कि इसका टाइम हो गया आप घर पे ही लगवा लो, और मतलब जब इसके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए थे 1 तारीख से पहले की बात है, लेकिन तब हो नहीं पाया था, पता नहीं हस्बैंड जी को भी टाइम नहीं था। और एक दिन मैं गई भी थी तो मैं इसका वो ले जाना भूल गई थी, आधार कार्ड वगैरह, और फोन भी ले जाना भूल गई थी जिसमें मैसेज था। तो आज हम सोचा इसकी वैक्सीन लगवाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल के प्यारे से नए से ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने सही जवाब दिया था साइकिल है, तो यानी आप लोगों ने आइडिया लगा लिया था ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, नए ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।